वेलकम टू क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हमने नया यूनिट स्टार्ट करना है, यूनिट नंबर 4। लेट्स ओपन पेज नंबर 24। पेज नंबर 24, यूनिट नंबर 4, एनिमल्स डेट हेल्प अस। वो एनिमल्स जो हमें मुख्तलिफ कामों में हेल्प करते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स रीड। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स कैन ऑल्सो लिव almost everywhere on the earth. There are different kinds of animals. Some animals live on land and some in water, while some animals live both on land and in water. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप बताया गया है कि प्लांट्स की तरह एनिमल्स भी अर्थ के बहुत सारे हिस्से पर रहते हैं और मुख्तलिफ किस्म के जानवर पाए जाते हैं दुनिया में। कुछ एनिमल्स जो हैं वो ज़मीन पर रहते हैं और कुछ जो है वाटर यानी पानी में रहते हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे जानवर हैं जो बोथ यानी लैंड और वाटर यानी ज़मीन और पानी दोनों में रहते हैं। एनिमल्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव एंड ग्रो। एनिमल्स को भी ह्यूमंस और प्लांट्स की तरह हवा, खाने और पानी की ज़रूरत होती है ताकि वो ज़िंदा रह सकें और ग्रो कर सकें। एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। स्टूडेंट्स, हमने प्लांट्स के यूनिट में पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, लेकिन एनिमल्स ह्यूमंस की तरह अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। एनिमल्स देखें, जिराफ, काओ एंड फ्रॉग। अब देखें, जिराफ और काओ ये क्या हैं? ये दोनों लैंड एनिमल्स हैं, यानी ये दोनों क्या हैं? ज़मीन के ऊपर रहने वाले जानवर हैं। एंड फ्रॉग जो है ये लैंड और वाटर यानी दोनों जगह पर रहता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जो कि आप अपने घरों में आसानी से रख सकते हैं और वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाते आपको, उनको कहा जाता है। और साथ साथ वो हमारी हेल्प भी करते हैं, ऐसे जानवरों को डोमेस्टिक एनिमल्स बोलते हैं। सम एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस, सो वी टेम देम, वी कीप देम ऑन आवर फार्म्स और इन आवर होम्स। दे आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स, डोंकी, हॉर्स, शीप, काउ, बफलो, हैन, गोट, डक, डॉग एंड कैट आर ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अस इन मैनी वेज। जी स्टूडेंट्स, वो एनिमल्स जो हमारे हमें फ़ायदा भी पहुँचाते हैं इसलिए हम उनको आसानी, और हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकते इसलिए हम उनको अपने फार्म्स में या घरों में रखते हैं। ऐसे एनिमल्स को डोमेस्टिक एनिमल्स बोला जाता है। उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, डोंकी, हॉर्स, शीप, काओ, बफलो वगैरह, ये सब क्या हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो हमारी बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से हेल्प करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 25 पर मूव करेंगे। पेज 25 पर हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। यानी हमने पिछले पेज में, प्रीवियस पेज में पढ़ा कि डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि वो डोमेस्टिक एनिमल्स हमें किस किस तरह हेल्प करते हैं। सम मिल्क एनिमल्स सच एस काओ, गोट एंड बफलो गिव अस मिल्क। ओके, ऐसे एनिमल्स जो हमें मिल्क देते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जैसे काओ, गोट और बफलो वगैरह, इनको मिल्क एनिमल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? मिल्क एनिमल्स। मिल्क इज़ ऑल्सो यूज टू मेक बटर। अब मिल्क से हम क्या करते हैं? बटर बनाते हैं, क्लेरिफाइड बटर, चीज़ एंड कोड। सम एनिमल्स लाइक शीप एंड गोट्स गिव अस वूल। और इसी तरह जैसे हम कुछ एनिमल से मिल्क हासिल करते हैं, इसी तरह कुछ एनिमल से हम वूल भी फाइंड करते हैं। वूल इज़ यूज फॉर मेकिंग वॉर्म वूलन क्लॉथ्स विच वी वेयर इन विंटर। अच्छा, अब वूल क्या करती है? वूल से हम अपने कपड़े बनाते हैं जो कि गर्म होते हैं और जिनको हम
विंटर सीजन में पहनते हैं. वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स सच एज काउ, फिश, गोट एंड हैन. अच्छा, इसी तरह हम कुछ एनिमल्स का मीट भी खाते हैं, जैसे काउ हो गई, शीप, हैन एंड फिश. हैंस गिव अस एग्स टू, और हैंस जो है हमें मीट प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करती है, हमें एग भी देती है, जो कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं. जी, काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क. शीप से हमें क्या मिली, वूल. और हैन ने हमें क्या प्रोवाइड किया, एग. एंड फिश से मीट. वैसे तो हम इन सब से क्या हासिल करते हैं, मीट, यानी इन सब का गोश्त खाते हैं. इसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा काम क्या करते हैं, काओ जो है हमें मिल्क देती है, शीप जो है वो हमें वूल देता है, और हैन एग्स प्रोवाइड करती है, और फिश का हम एक अच्छा सा कोई मील बनाकर उसको खाते हैं. नेक्स्ट है हमारा सम एनिमल्स सच एज डोंकी, हॉर्स, एलिफेंट, कैमल एंड बुल कैरी लोड्स फॉर अस. और ऐसे जानवर जिसके ज़रिए हम अपना सामान बांधकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, दे आर कॉल्ड बीस्ट ऑफ बर्डन. और ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है बीस्ट ऑफ बर्डन. अब आपने देखा होगा रोड पर डोंकी या हॉर्स को कार्ट के साथ बांधकर तो उन पर बहुत सामान जो है वो लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है. इसी तरह एलिफेंट, कैमल और बुल वगैरह भी हमारा सामान जो है, लोड जो है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. यानी ये क्या करते हैं, ये एनिमल्स हम इंसानों का बर्डन जो है वो अपने ऊपर अफोर्ड करते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है. क्या वो किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं कि वो हमारा बर्डन, ह्यूमंस का बर्डन जो है वो अपने ऊपर बर्दाश्त करके एक जगह से दूसरी जगह हमारा लोड जो है वो पहुंचा देते हैं आसानी से. सम एनिमल्स सच एज द डॉग गार्ड आवर होम्स. और कुछ एनिमल्स जैसे कि डॉग हमारे घर को, हमारे घर का गार्ड है. डॉग्स आर फेथफुल एनिमल्स. डॉग्स क्या हैं, वो बहुत फेथफुल एनिमल्स हैं, वो बहुत वफादार जानवर हैं. सम एनिमल्स लाइक द ऑक्सन एंड बुलॉक्स हेल्प इन प्लफिंग फील्ड्स. ओके जी, अब कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारी खेती बाड़ी करने में हमें हेल्प करते हैं. द डंग ऑफ दीज एनिमल्स इज यूज्ड एज मैन्योर फॉर द प्लांट्स. Manure is used to increase the production of crops by the farmers. कुछ animals जैसे वो हमारी प्लग फील्ड में हेल्प करते हैं, यानी खेती बाड़ी में हल चला कर. The dung of these animals, इन animals का dung यानी waste material जो है वो plants के लिए वो बहुत हेल्प करता है. इस डंग की हेल्प से क्रॉप्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, उनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है. एनिमल्स हैं एलिफेंट, डॉग, ऑक्सन. ऑक्सन क्या है, ऑक्सन क्या करते हैं, ये हमारे फील्ड्स में काम हेल्प करते हैं. डॉग जो है वो हमारा गार्ड है हमारे हाउस का. इसी तरह एलिफेंट जो है वो हमारा बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी हमारा सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके पहुंचाता है. ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारी रीडिंग थी पेज नंबर 24 एंड 25, जो कि हमने कंप्लीट कर ली है. आपने अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है और इसकी जो मेन बातें हैं वो याद रख लेनी है. टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.